हमारे बीच नहीं रही, वो गुजर चुकी है 857 पे अपने ही शहर कलकत्ता में। नोबल प्राइज विजेता मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं रही। वो 87 साल की थी। उनका जन्म स्कोपचे अल्बेनिया में 26 अगस्त 1910 में हुआ था। वो एक साधारण लड़की थी। उनका विश्वास प्रभु में चट्टान की तरह मजबूत था। मदर टेरेसा एक गौरवमय कार्यकर्ता थी जिन्होंने प्रभु के प्यार को सब लोगों में बांटा, खास करके गरीबों के बीच। परमेश्वर इस दुनिया से प्यार करता है। उनकी दया और दृष्टि हमेशा गरीबों के बीच रहे। मदर टेरेसा की आत्मा परमेश्वर के उजाले से हमेशा रोशन रहे। उनका प्रेम हमेशा हमेशा हमारे बीच बहता रहेगा। जब तक प्रभु का नाम है तब तक मदर टेरेसा का भी नाम रहेगा। ओह मेरी बेटी। ये खा लो, बहुत अच्छे। और अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, ठीक है? ठीक कहा, राजनीति में जाने का यह सीधा रास्ता है, देश में अमन और सुरक्षा रहे। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, एक जाम अपने देश अल्बेनिया के नाम। अल्बेनिया के नाम। ऑप के पति की हत्या इसलिए हुई कि वो एक बहुत ही ईमानदार और साहसी राजनेता थे। वो हमेशा हम लोगों के बीच एक मिसाल बन के रहेंगे। शुक्रिया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये छात्रा हमारे क्लास में अव्वल आई है। एग्नेस बजाशेव। बहुत अच्छे एग्नेस, बधाई हो। आप कीजिए। बधाई हो तुम्हें। बहुत अच्छा किया। शुक्रिया मैम। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। पिताजी होते तो कितने खुश होते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी को तुम पर जरूर गर्व होगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत का श्रेय तो तुमको ही जाता है। मुबारक हो।
हेलो आजे, क्या तुम ठीक हो? तुमने माँ से क्या कहा? वो सारा दिन अपने रूम को बंद करके बैठी रही, मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। माँ दरवाजा खोलो। चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना, खासकर तुमसे। क्या बात है एग्नेस, माँ इतनी परेशान क्यों है? आखिर बात क्या है? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा मुझे बुलावा आया है नन बनने का। ये 6 साल पहले की बात है जब हम क्रनागोरा गए थे और मैं तभी से प्रार्थना कर रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है एग्नेस। तुम रोशनी और प्यार से भरी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। लेकिन तुम बस एक छोटी बच्ची थी और ये फिर से हुआ, बार बार हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही करना है? हाँ माँ। माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। तुम करना क्या चाहती हो? मुझे एक मिशनरी बनना है और इंडिया के लोगों की मदद करनी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अपना परिवार और बच्चे होने चाहिए? वहाँ बहुत से बच्चे होंगे जिनकी मुझे मदद करनी है, बहुत सारे बच्चे। माँ मैं ये करूंगी। एग्नेस आपने अपनी माँ के बारे में सोचा? वो आपको खोना नहीं चाहती हैं। मैं जानती हूँ और मुझे इस बात की फिक्र है, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगी कि जीसस उन्हें सही रास्ता दिखाएं। एग्नेस तुम्हें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ फादर, अगर वो मुझे इंडिया में रहने दे और मेरी माँ तक ये संदेशा पहुँचा दे तो मेरा पूरा जीवन उनके लिए समर्पित होगा। जी देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या मिस्टर कोला बजस के अंदर हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मगर कुछ साल पहले ही मिस्टर कोला इस दुनिया से चल बसे। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे पता नहीं था ये सब हो चुका है। क्या आप उनकी पत्नी हैं? जी मैं ड्राना हूँ, उनकी पत्नी। मैं आपके पति का बहुत पुराना दोस्त हूँ मैम। ओह तो आप एलेक्सिडिस की हैं? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। आइए अंदर आइए, आइए ना। मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन मैं ये पैसे देने आया हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत साल पहले मुझे ये देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। उस वक्त मिस्टर कोला ने मेरी मदद की और मुझे ये पैसे दिए। उन्होंने मेरी जान बचाई, किसी वजह से मैं ये पैसे लौटा ना पाया, लेकिन यही सही वक्त है अब आपके पैसे लौटाने का। लेकिन आप अंदर तो आइए मिस्टर ड्रिस्की। मैं अंदर नहीं आ सकता, माफी चाहता हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मिस ब्रोजेस्की। ठीक है चलता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। हाँ आप समझी, तो ये प्रभु की मर्जी है। शुक्रिया माँ। मेरी बच्ची अपना ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। भूलना मत बेटी, अपने स्कूल का नाम रोशन करना। नहीं भूलूंगी मदर, चलती हूँ। फादर अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे चिट्ठी लिखना। जरूर लिखूंगी। और याद रखना हमारे भाई कलकत्ता में रहते हैं, आपको कोई भी समस्या हो तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे।
बेटा, चिट्ठी लिखते रहना। अलविदा। मेरा नाम मदर बोर्जिया है, आपका नाम क्या है? मैं इंडिया कब पहुंचूंगी? मेरी प्यारी बच्ची, कैसे जाओगी? तुम्हें वहाँ की भाषा नहीं आती है। पर मदर बोर्जिया, मैं पिछले हफ्तों से काफी कुछ पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। देखो लड़कियों, ध्यान से देखो, यही है इंडिया। सब साथ में रहना, कहीं अलग मत हो जाना, स्टेशन पास में ही है। साथ में रहना और अपने सामान पर नजर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। हम कलकत्ता पहुंच चुके हैं 6 जनवरी को, जैसे वाइसमैन बेथलेम आए थे। सब लोग साथ में आओ और संभल कर रहना। मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना। चलो यहाँ से, रुको मत। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। अरे वो तुमने देखा, वो बुढ़ी औरत को ये क्या कर रही हो? हजारों चीजें भी इन लोगों के लिए कम पड़ जाएंगी, साथ में रहो। माफ कीजिए सिस्टर मैरी, मैं आ रही हूँ। अब ये हल्का हो गया है। हेल मैरी, पूरी कृपा से प्रभु आपके साथ है। धन्य है आपकी कृपा जो आप हम सब पर बरसाते हैं। पवित्र मैरी, आपकी कृपा हो, हमें माफ करना आज के लिए और जीवन के अंतिम क्षण तक। आमीन। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, आज तुम हमारे स्टाफ को ज्वाइन करोगी, सेंट मैरी हाई स्कूल। हालांकि तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो। लेकिन मैं इंडिया में पिछले 9 सालों से रह रही हूँ मदर। मैं जानती हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है, सब लोग जानते हैं कि तुम एक बेहतरीन टीचर हो। शुक्रिया मदर, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमारे काफी स्टूडेंट्स धानी परिवार से हैं, उनमें से कुछ कैथोलिक हैं और कुछ स्टूडेंट्स मुस्लिम भी हैं। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सभी के धर्म को इज्जत मिले। मुझे पहले ही बता दिया गया है कि हमें उन्हें निराश नहीं करना, वो हमें अपनाए, इसके लिए हमें सब्र रखना होगा। बहुत अच्छे सिस्टर टेरेसा, यही हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल सही समझा तुमने। अरे
तुम वो मोती झील देख रहे हो? इसका मतलब है मोतियों का समंदर। यहाँ कैलकटा के सबसे गरीब लोग रहते हैं। कहते हैं मोती यानी भूख, मौत और अपराध। मेरी सलाह मानो, इस जगह से दूर ही रहना सिस्टर। लेकिन जो कोई अंदर जाता है जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आता। क्यों? और हाँ, दरवाजा बंद ही रखना। इन गलियों से बहुत बदबू आती है, यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम जा सकती हो, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सिस्टर टेरेसा। क्या सब तैयार हैं? हाँ सिस्टर टेरेसा। सिस्टर टेरेसा, क्या हुआ? क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? ये रूल के खिलाफ है। नहीं, मुझे रोशनी चाहिए, और साथ ही मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्कूल के उस तरफ क्या है। तुम्हें भी देखना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर तुम एक बहुत अच्छी इंसान बन सको और इस देश के लिए कुछ कर सको। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। ये समझना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ अपने आप को जानना जरूरी नहीं, दूसरों को भी जानना चाहिए। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है बताओ? ये 46,75,616 स्क्वायर किलोमीटर है। और आबादी कितनी है? मेरे ख्याल से आबादी 318 लाख लोग हैं। यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ 200 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले 4 सिद्धांत परिवार हैं। सिन्हालीज बोलने वाली संख्या है 203 लाख, द्रविडियन बोलने वाली संख्या 64 लाख, और तिब्बतो बर्मन की संख्या है 12 लाख। और यहाँ पर कितने धर्म हैं? 21 करोड़ 20 लाख हिंदू, 6 करोड़ 90 लाख मुस्लिम, 1 करोड़ 10 लाख बुद्धिस्ट और 40 लाख क्रिश्चियंस हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी। दरअसल क्रिश्चियन लोगों की संख्या लगभग 47,50,000 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1/4 लोग कैथोलिक हैं। 4 सबसे बड़े शहरों के नाम बताओ। आबादी में सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, उसके बाद आता है बॉम्बे, फिर मद्रास, और चौथे नंबर पे आता है दिल्ली। बहुत खूब, शाबाश। अब यहाँ की बढ़ती आबादी के बारे में कौन बताएगा? जन्म संख्या है 32% हजार लोग में, और मरने वालों की संख्या है 24% हजार लोग में। बहुत अच्छे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ काफी गरीबी है। सिस्टर टेरेसा, आप अंदर जा सकती हैं। अंदर आ जाओ। मैंने इस डायरी को अपने पास बहुत सालों से संभाल कर रखा है। मैं 9 साल पहले इंडिया आई थी, और मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और इसलिए चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ। हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे स्कूल की सबसे अच्छी टीचर्स में से एक हो और एक मिसाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया फादर, मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी डायरी जरूर पढ़ें। मैं जरूर पढ़ूंगा। मैंने इसमें वो सब लिखा है कि हम इस देश की औरतों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और कुष्ठ रोगियों के लिए।
गरीबी की वजह से वो अपराधी बनते जा रहे हैं फादर। तुमने ठीक कहा, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं ताकि हमें इस भयानक सच का सामना बिल्कुल न करना पड़े। सिस्टर टेरेसा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाई, तुम लॉट एंड नंस के रूल के खिलाफ गई हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें इजाजत देती है जब भी तुम्हारा मन परमेश्वर से बात करने की ओर बढ़ता है और तुम समझती हो वो क्या चाहते हैं और तुम ये भी जानती हो कि वो क्या कहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। इसे भी अभी टूटना था। क्या हुआ है? तुम्हें नजर नहीं आता ये टूट गया है? खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं ठीक नहीं कर सकती। तुम तो एक खूबसूरत और साफ सुथरी महिला हो, तुम मेरी जैसी गंदी इंसान को क्यों हाथ लगाओगी, मेरी मदद क्यों करोगी? तो जाओ यहाँ से। माफ कर दो। इस भुखमरी के समंदर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये अछूत लोगों की बस्ती है, हमारा कोई धर्म नहीं है। यहाँ के आदमी, औरतें, बच्चे तुम्हारी जात के नहीं हैं। मैं इनकी रक्षा करता हूँ और तुम कभी इन्हें मत छूना। मेरी बात समझ गई तुम? जो मैंने कहा तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इनके पास नहीं जा सकती तो तुम उन्हें कुछ खाने को दे दो। देखो इन्हें, ये भूख से मर रहे हैं। मेरी बात सुनो लड़की, भूख का आत्मा से कोई मतलब नहीं है, भूख तो सिर्फ भूख है। मैं काफी समय से भूखा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है अपने बचपन से ही भूखा हूँ, पर किसे परवाह है। इन लोगों को सिर्फ प्यार नहीं, खाना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे बस इस बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है। क्या बात है बच्चे, तुम्हें चोट लगी है? अच्छा बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? इसकी माँ नहीं है, ये अनाथ है। इधर उधर खाने के लिए चोरी करता है, इसलिए लोग इसे मारते हैं। यहाँ आओ बेटा, मैं ही इसका सहारा हूँ, इसकी देखभाल करती हूँ। बेचारा। ये कहाँ रहता है? ये मेरे साथ ही रहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब इसका ख्याल रखते हैं। हाँ? क्या तुम आज बाहर गई थी? हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। हम तुम्हें हर जगह तलाश रहे थे, याद रहे हमारी इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती। हाँ जानती हूँ, माफ कर दीजिए। और हमेशा किसी को साथ लेकर ही बाहर जाओ। जी जरूर, ऐसा ही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आखिर वो दिन आ ही गया, 7 मार्च, परमेश्वर का दिन, जीवन के लिए और पवित्र शहीदों के लिए। कथार्ज में वो जेल से निकलकर अखाड़े की तरफ बढ़ते गए, जैसे कि आसमान की ओर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर रौनक थी और मानसिक संतुलन में कुछ चिंता और घबराहट, लेकिन ये खुशी में थी, डर में नहीं। जीवन के आखिरी पल थे,
जैसे एक शहीद जो परमेश्वर का प्यारा है और उसकी शक्ति क्या जो मैं उसके एक और चेहरे ले सकती से दिख हूं? रही थी उसी रौनक को देखकर सारे लोगों ने अपना सर झुका लिया और वो तैयार थी जंग लड़ने के लिए जंगली जानवरों से। तो कहाँ गई थी तुम? शायद मैं बता सकूं या शायद ना बता सकूं। मुझे दो पोशाकें नहीं चाहिए, मैं एक ही को धोकर पहन सकती हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? बस मेरे साथ चलो, हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम डर गई? नहीं सिस्टर टेरेसा, आपके साथ मुझे कभी डर नहीं लगता। तो चलो। ये लो। मैं ये ले लूं माँ। उधर से सीधा चले जाओ तुम। मुझे ये पोशाक बेचनी है। 3 रुपए? नहीं, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे इसके कम से कम 5 रुपए चाहिए। भालो, 5 रुपए, ये लो तुम्हारा पैसा। शुक्रिया। एक तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, और ये लो। मेरे पास और नहीं है, देखो सब खत्म। सब खत्म। हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। वो वहीं पर है जहाँ मैंने उसे देखा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए यहाँ होगी। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, ये ठीक कर दोगे? मुझे लगा ये स्कूल का छोटा सा कोई काम है। मैं पैसे दूंगी। इस औरत से बदबू आ रही है। तुमसे भी बदबू आती है। चलो ठीक करो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। शुक्रिया। ठीक हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया सिस्टर। मुझे बताओ तुम ये सब क्यों करती हो? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो प्रभु का रूप है और मैं उनकी सेवक हूँ। तुमने इनकी तकलीफ अपनी आँखों से देखी ना, इसलिए अब तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। ओह, सिस्टर। मैं सिस्टर टेरेसा को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या आपको लगता है कि हमें उसे प्रतिज्ञा में शामिल करना चाहिए? वो काफी बाहर जाती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है मदर सुपीरियर, सिस्टर टेरेसा एक अच्छी क्रिश्चियन है और अच्छी नन भी। लेकिन वो अकेली बाहर जाती है। हाँ ये सच है, वो जहाँ भी जाती है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जाती है और वो परमेश्वर की आवाज को पहचानती है, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो कहाँ जाती है। मेरी आत्मा परमेश्वर की ओर बढ़ती है और मेरा मन आनंदित होता है। परमेश्वर ही मेरा रक्षक है, उसने आसमां से नीचे देखा अपने हाथों से बनाए लोगों को, और सारे पूर्वज मुझे आशीर्वाद देते हैं क्योंकि शक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए महान काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, उसकी दया पीढ़ियों तक बनी रहे। गुड मॉर्निंग लेडीज, हम अपना लेसन फिर से शुरू करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। सिस्टर टेरेसा, हमें आपको कुछ देना है आपकी प्रतिज्ञा के लिए। आप नहीं जानती कि आप कितनी खास हो हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबका शुक्रिया। खोलो खोलो, जल्दी खोलो।
ये बहुत खूबसूरत है। किसकी क्या जरूरत थी? हम तुमको ज्यादा देगा, हमको मालूम ये पैसे से तुम क्या करता है। ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी रखो। रखो। आपका शुक्रिया, प्रभु आपकी रक्षा करे। मुझे लो। अरे मैं सबके लिए बहुत है बच्चों, लड़ना बंद करो। नहीं, क्या आपके पास पानी है? पैसे हैं? हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो फिर जितने भी है दे दो। ये लो, लो पियो, बहुत अच्छे। देखिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं अब क्या मदद करूं? क्या आप इस बच्चे को पकड़ेंगे? इसे बहुत सारे घाव हैं और मुझे उन्हें साफ करना है। मुझे नहीं पता कैसे। चुप रहो तुम। मुझे कपड़े की जरूरत होगी। इसके भी पैसे लगेंगे। बिल्कुल दूंगी, मुझे पता है कि आप मुझे मुफ्त नहीं देंगे। आ जाओ, अब मैं तुम्हारी सफाई करती हूँ। लो। ये लो। मैं तुमसे कल मिलूंगी। ये लो। सिस्टर टेरेसा, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? स्टूडेंट के दिए हुए तोहफे का तुमने क्या किया? अभी बताओ, क्या तुमने बेच दिया? वो मेरे काम का नहीं था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे स्टूडेंट ने तुम्हें तोहफा दिया था। गलत क्या किया? मैंने बस कपड़े और खाना खरीद कर गरीबों को दिया। क्या तुम भूल गई कि सेंट मैरीज हाई स्कूल के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज होता है? तुम्हें याद रखना चाहिए, यहाँ हर चीज बहुत साफ और प्यारी है। यहाँ हमने लड़कियों को दुनिया की सारी गंदगी से दूर रखा है। सबकी आंखों पर पट्टी है, हम उन्हें हर चीज से रोक रहे हैं। ये ठीक नहीं है, हम उनका दम घोंट रहे हैं। उन्हें ताजी हवा की जरूरत है और बाहर की खुशबू की। ये प्रभु के गरीब लोगों की खुशबू है।
पर हम इन्हें ये सिखाते हैं कि रास्ते पर कोई मर रहा है तो उसे मरने दिया जाए, उसे नजरअंदाज किया जाए। इन्हें सीखने की जरूरत है, ये सही नहीं है। अरे ये क्या हो गया? तुम्हें मुझे 2 रुपए देने होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा है। और ठीक है। ये लो, ठीक है। सिस्टर टेरेसा, सिस्टर मैरी कहती हैं कि तुम यहाँ से कपड़े ले जाकर और खाना चुराकर गरीबों में बांट देती हो। मैं खाना नहीं चुराती, मैं वही ले जाती हूँ जो मैं नहीं खाती। पर तुम्हें भी तो खाना चाहिए। ओ, लेकिन मेरे गरीब दोस्त बहुत कम खाना खाते हैं और मुझे एक ही पोशाक की जरूरत है। सिस्टर टेरेसा, हाँ? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे ऊपर सारी नंस की जिम्मेदारी है और तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। तुम यहाँ सीखने और आज्ञा का पालन करने के लिए आई हो। बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? किसकी आज्ञा का पालन करूं? यहाँ के नियम का या मेरे दिल का? कौन सा रास्ता सही है जिस पर मैं चलूं? प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु इसे ले जाओ। शुक्रिया। सिस्टर टेरेसा, तुम यहाँ के अनुशासन को तोड़ रही हो, तुम्हें वापस जाना होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान होते हैं। तुम कहाँ गई थी? मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। पर अगर आपने मुझे माफ किया तो क्या ये सही होगा? हाँ? दुनिया बिखर रही है और हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। माफ कीजिए। प्यास लगी है। फादर, वह नहीं। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। सिस्टर टेरेसा, तुम वापस आ गई हमारे पास, काफी अरसे हो गए। कैसा रहा दार्जिलिंग? मुझे यकीन है जो वक्त तुम्हें चाहिए था प्रार्थना करने के लिए वो तुम्हें मिल गया। जी हाँ, मुझे फैसला करने का काफी वक्त मिला। क्या?
मैंने काम छोड़ने का फैसला किया है फादर। क्या तुम अपने सारे वचन तोड़ दोगी? नहीं फादर, मुझे सिर्फ इस स्कूल को छोड़ना है। मुझे लोरेटो की नंस को छोड़ना है, अपने वचन को नहीं। मैं एक नन हूँ, प्रभु की सेविका, और मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मरते दम तक। प्रभु मुझे वहाँ से निकाल रहे हैं, वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं, और मुझे उनकी प्यास और भूख मिटानी है। वो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, और मुझे उनकी तकलीफ को खत्म करना है, मुझे उनकी सेवा करनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हें यकीन करना होगा, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप ही बताइए फादर कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और मैं कलकत्ता के आर्च बिशप से भी तुम्हारे लिए बात करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया फादर। मुझे लगता है कि आप मेरी तरफ हो, प्रभु की तरफ हो। प्रभु तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ समय लगेगा, कुछ महीने या कुछ साल। मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। मुझे एक सादी सी साड़ी चाहिए जो सबसे सस्ती हो। दिखाएंगे? ये देखिए, ये सिर्फ एक रुपए का है। ये लो। शुक्रिया, प्रभु तुम्हारा भला करें। तुम्हारा भी। अलविदा। वैटिकन ने रजामंदी दे दी है फादर। सिस्टर टेरेसा को ये जानकर बहुत खुशी होगी। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और हाँ, उसे पूरी सहायता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर, मैं आपको खबर देता रहूंगा। गुड मॉर्निंग फादर, क्या कोई खबर आई है? ये क्या है? चिट्ठी आई है सीधे वैटिकन से। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत नुकसान की बात है, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। आखिर तुम्हें मन मर्जी से गरीबों की सेवा करने का मौका मिल ही गया, पर तुमने क्या सोचा है, अकेले कैसे कर पाओगी? अरे, कौन है मेरे पीछे? क्या तुम गुम हो गए हो बेटा? आप गुम हो गई हो?
कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ है? अच्छा, अपना नाम बताओगे? तुम्हारे जैसे प्यारे लड़के का कोई नाम तो होगा। स्वीटी, मैं तुम्हें आज से स्वीटी बुलाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगा? अब तुम्हारे पास नाम है और माँ भी है। अब हमें अपने लिए एक घर ढूंढना होगा। ओह, तुम्हें भी आसरा चाहिए? पता नहीं इतनी जगह होगी या नहीं। बाहर मत खड़े रहो, बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। आ जाओ। शुक्रिया, एक आप ही हमारा सहारा हैं। ये ठीक नहीं है, इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है, दवाई देनी होगी। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं कुछ लेकर आती हूँ जिससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रुको, मैं आ रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। क्या बात है स्वीटी? मेरा बच्चा। हे प्रभु, बताइए मैं क्या करूँ? मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दर्द के समंदर में डूब जाऊंगी। मुझे माफ कीजिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं लोरेटन नंस के पास लौट जाऊं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इन बीमार लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं इनकी मदद करना नहीं छोड़ सकती प्रभु। ए, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। बाहर लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हो। और ये साल का आखिरी बजट देखेंगे। ओ, ये औरत कौन है? अगर तुम्हारे पास कुत्ता होता तो उसे भी तुम मरने के लिए नहीं छोड़ देते, तो लोगों के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा नाम मदर टेरेसा है और मैं यहाँ जरूरतमंद लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। जंग के दौरान लाखों लोग कलकत्ता में बाढ़ की तरह आए हैं। मैं जानती हूँ, और इस परेशानी में मुझे मदद करने दीजिए। तुम इस तरह यहाँ आकर सभा में दखल नहीं दे सकती हो। बदतमीजी है। पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। ठीक है, सब शांत हो जाओ। बताओ तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, बोलो अभी। मैं सभी आदमी, औरतों, बच्चों और अस्पताल से मरीजों को देवी काली के मंदिर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ काफी जगह है। मैं मरते हुए लोगों को एक छत देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे इरादे की कदर करता हूँ और तुम्हारे प्रस्ताव की भी, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम एक कैथलिक हो और तुम यात्रा निकालना चाहती हो, वहाँ रहना चाहती हो, वो भी मंदिर में। वहाँ के कमरे काफी बड़े हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई है। हाँ, लेकिन वहाँ के पुजारी का क्या होगा? वो भी खुश हो जाएंगे, और सेवा करने के लिए वो पहले आएंगे।
और मेरा ये विश्वास है कि माँ काली को भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। मैं उन कमजोर और बीमारों की आवाज हूँ जिन्हें समाज के ठेकेदारों ने निकाल दिया है। धर्म का इससे कोई सरोकार नहीं। आखिर तुम शहर के परिषद से क्या चाहती हो? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन मजबूर लोगों को मंदिर में रहने की इजाज़त दीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरा कलकत्ता आपका आभारी होगा, सब शुक्रिया कहेंगे। अंदर आओ। आराम से सो जाओ। मेरे घाव को छूने से तुम्हें घिन नहीं आती सिस्टर? तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। यहाँ है वो। यही है बाबा, अभी इसको बाहर निकालो यहाँ से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप तो सब ठीक लग रहे हैं। आपको क्या मदद चाहिए? तू माँ काली का अपमान करता है। तुम बीमार और मरे हुए लोगों को पवित्र मंदिर के अंदर लेके जाता है। तुम अभी के अभी बाहर निकलो। मेरे पास इजाजत है अधिकारियों की। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम पवित्र स्थान को खराब कर रही हो। देवी उससे कभी खुश नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी अपने पुजारी से कहे कि वो मरते हुए इंसानों को देखता रहे? मुझे माफ करना, इनके पास जो पेपर है वो सही है। इनके पास अनुमति है। जब तुम मरते हुए लोगों का ख्याल रखना शुरू कर लोगे तब मैं इन्हें कहूंगा यहाँ से जाने के लिए। मेरी बात समझ गए तुम? चलो चलते हैं इधर से। गुड डे। शुक्रिया। लो पी लो। शुक्रिया। आराम करो। मैं आ रही हूं। ओह, ओह, सुभाषिनी दास। मदर टेरेसा। ओह, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपके काम में हाथ बटाने आई हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे लगता है हम दोनों का दिमाग खराब है। आओ अंदर आओ। आज के दिन तुम ये जिंदगी जी लो, कल फैसला कर लेना कि यहाँ रहना है या नहीं। मदर टेरेसा, मैं भी प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ आपके साथ मदद करने के लिए। जाओ उसकी मदद करो। उठो उठो यहाँ से। हाँ चलो, मैंने तुम्हें पकड़ा है, लेट जाओ यहाँ। बहुत अच्छे। ये मर जाएगा। इसकी सांस चल रही है। हे प्रभु, सांस ले रहा है।
प्रभु का शुक्र है। ये जिंदा है। इसका बुखार बहुत बढ़ गया है और निमोनिया का बुरा असर हुआ है। इसे दवाई की जरूरत है, पर हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। ये लो मेरी साड़ी, हम इसे बेच सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दूं, पर मुझे समझ नहीं आता उन्हें कहाँ रखूं। वो यहाँ नहीं रह सकते, उनकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, मैं जगह ढूंढ लूंगी। आप सही हो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने सिस्टर को मेरे पास भेज दिया, मैं उसके बिना क्या कर सकती थी? अब आप आराम कीजिए प्रभु। आज हम लिखना सीखेंगे, वो बहुत ही आसान होता है। चलो मैं दिखाती हूँ। इसे कहते हैं ए। अब तुम कोशिश करो। मदर टेरेसा, जल्दी आइए। रुको, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। चलो सब ठीक है, तुम्हें प्यारी सी बेटी हुई है। ये समय से पहले पैदा हुई है, इसलिए इसका खास ख्याल रखना होगा। मदर, वो कारपेंटर आ गया है। उसे अंदर बुलाओ। तुमने तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तुम बाहर रुको, मैं आ रही हूं। तो तुम्हें हमारा बनाया बक्सा पसंद आया अम्मा? वो बक्सा नहीं है जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, वो इंक्यूबेटर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो तुम जानती हो कि मैंने ये काम पैसे के लिए नहीं किया है। हमको तुम्हारा थोड़ा मदद चाहिए। हम लोग शहर के हर अस्पताल में गया है, पर वहां कोई भी जगह नहीं बचा है। अब किधर जाएं? आप अंदर आइए, मैं जगह बनाती हूँ। देवी काली, आप देवी काली हो? मैं पिछले 30 साल से देवी की सेवा कर रहा हूँ। आखिर में इंसान के रूप में पवित्र माँ के दर्शन हो गए। मेरा नाम मदर टेरेसा है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप इस क्रॉस को चूम लीजिए। कहिए, क्या मदद करूँ? मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। आओ, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। हम समाज सेविका नहीं है, ना ही शिक्षक, ना ही डॉक्टर, ना ही नर्सेस। हम नंस हैं और हम प्रभु की सेवा करती हैं।
हम जरूरतमंदों का ख्याल रखती हैं, उन्हें कपड़े देती हैं, खाना देती हैं, रहने की जगह देती हैं, अनाथ औरतों और बच्चों को सहारा देती हैं, बीमार लोगों की सेवा करती हैं। हमें सादा जीवन बिताना चाहिए ताकि हम गरीबों की तकलीफ को समझ सकें, उनकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उनकी मदद कर सकें। मेरा बच्चा, अब बच्चों मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे लिखना है। लोगों की आत्मा को छूने के लिए हमें प्यार की जरूरत है। जरूरी ये नहीं कि हम क्या करते हैं, जरूरी ये है कि प्रभु हमसे क्या करवाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप एक उदास चेहरे और अशिष्ट व्यवहार के साथ चमत्कार करें। मैं चाहती हूँ कि आप उदार रहकर गलतियाँ करें। आप मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि आपको उन लोगों को प्यार करना चाहिए जिनकी आप सेवा करते हैं। ये लो, ये लो, तुम इनके साथ क्यों परेशान हो रही हो? कैलकटा एक नर्क है और ये जेल इन सभी राक्षसों का सहारा है। परेशान लोग ही प्रभु के करीब होते हैं। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अपना समय बर्बाद मत करो, ये बात नहीं करती है। यहाँ पूरी जिंदगी रही है, इसे कुछ याद नहीं, यहाँ तक अपना नाम भी नहीं। पर किसी को तो पता होगा। नहीं, यहाँ कोई भी इसका नाम नहीं जानता। मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूँगी। ये सब समय की बर्बादी है। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं होनी चाहिए, इनमें से ही कोई होनी चाहिए। पर वो जेल में क्यों है? इसमें तो ऐसा लिखा है कि फजीला जब 11 वर्ष की थी तो रेलवे स्टेशन पर उसके पिता से वो बिछड़ गई थी। फजीला हमारा साथ ही रही हो। पिताजी, 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 पिताजी। समझ नहीं आ रहा कि वो इतने सालों से जेल में क्यों है और कोई उसका ख्याल क्यों नहीं रख रहा। ये मैंने पहली बार सुना है। मैं चाहती हूँ कि फजीला को फौरन रिहा किया जाए। मुझे डर है ये असंभव है। मुझे इसकी फाइल तैयार करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। कोई नहीं जानता कि वो यहाँ पर है। अगर वो चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना? डरो मत फजीला, चलो आओ चलें। आ, ये रहा तुम्हारा कमरा।
तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकती हो फजीला। ये तुम्हारी नई जिंदगी है। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी। हाँ, धन्यवाद मदर टेरेसा। गुड मॉर्निंग, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं मदर टेरेसा से मिलना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं ही हूँ। तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पर क्यों? आप सोच भी नहीं सकती कि इस दुनिया में आपका नाम कितना मशहूर है मदर। आप अंदर आइए। आप जो भी व्यवहार इंसानों के साथ करते हो वो मेरे साथ होता है, ऐसा जीसस कहते हैं। आप जो करती है वो मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई लाखों करोड़ों डॉलर भी दे दे। मैं जो भी करती हूँ वो पैसों के लालच में नहीं करती हूँ, खुशी से करती हूँ। मैं काफी वक्त से इसके बारे में सोच रही हूँ। जब भी यहाँ आती हूँ सोचती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है फजीला? जरूर। तो क्या अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? इस पुरानी बस को जल्द से जल्द कलकत्ता की सड़कों पर चलना होगा। ये सभी रोगियों के लिए पहला मोबाइल क्लिनिक होगा। अब बस चलने के लिए तैयार है, बस हमें डॉक्टर ढूंढने होंगे। फादर वैन एक्सन, मुझे आपकी मदद चाहिए। बस की रिपेयर में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब हमें दवाइयों के लिए और लोगों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, और हमें डॉक्टर भी चाहिए। लेकिन बेटे, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम कुछ भी करते हो तो मुश्किलें आ जाती है। तुम पूरे देश की मदद नहीं कर सकते। किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ। तुम सब एक साथ कैसे संभालोगे? प्रभु ने मुझे शक्ति प्रदान की है और उन्होंने ही मेरी मदद की है, और आगे भी वो मेरी मदद करते रहेंगे। जरूरतमंद और बीमार इंतजार नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं डॉक्टर जरूर ढूंढूंगा। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? बताओ। मेरे हिसाब से करीब 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? ये नामुमकिन है। नहीं फादर, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे प्रभु, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, और अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं और 10 सालों तक इंतजार नहीं करने वाली। आप ही ने मुझे राह दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे। मुझे आपकी जरूरत है। हेलो, क्या मैं मदर टेरेसा से बात कर रहा हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। मैं सचिवालय से बोल रहा हूँ, और आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। ये तो अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपके द्वारा किए गए काम को देखते हुए आपको मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के साथ साथ आपको 50,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। ओह शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। डॉक्टर, हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि आपने हमारे लिए काम करना स्वीकार किया। यकीन कीजिए, ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है मदर टेरेसा। आप दोनों को शुभकामनाएं। ये अब ठीक हो रहा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। तुम दोनों भाग क्यों रही हो? क्या बात है? मदर माफ करना, लेकिन फजीला आपको कुछ कहना चाहती है और ये बहुत ही जरूरी बात है। वो शिरघाट। माफ करना, क्या कहा बेटा? मुझे याद आया, बोशिरघाट। बोशिरघाट शहर? हाँ, बोशिरघाट स्टेशन, मुझे याद आ रहा है। बोशिरघाट के स्टेशन पर तुमने अपने पिता को आखिरी बार देखा था? हो सकता है, शायद। चलो अंदर जाओ। पिताजी। अरे फजीला, कहाँ गई हमारी बिटिया, कहाँ गई? मजा आ रहा है ना? हाँ। यहाँ एक नाव थी, मैं नदी पर अपने पिता के साथ नाव की सवारी कर रही थी। पाकी डांगा वही गांव है जहाँ से मैं आई थी, मुझे याद है। बहुत अच्छे फजीला, अब हम पाकी डांगा चलेंगे। क्या ये वही जगह है? जरा सुनिए, पाकी डांगा कहाँ है? यही पाकी डांगा है। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हम इस लड़की के माता पिता को ढूंढ रहे हैं जो 10 साल पहले स्टेशन पर खो गई थी। हाँ? फजीला? ओ प्रभु, फजीला वापस आ गई। ये तो चमत्कार है, वापस आ गई फजीला, वापस आ गई। सुनो, फजीला वापस आ गई। हाँ, ये सच है, ये फजीला ही है। फजीला वापस आ गई। क्या कर रही हो? फजीला वापस आ गई। दिखाओ फजीला, जल्दी आओ फजीला। अरे फजीला आई है, देखो। फजीला, का तुम हमार बिटिया हो? का ई है का? वहाँ देखो, तुम्हारी बेटी वहाँ है। पिताजी, पिताजी। अरे हमार बिटिया। पिताजी। कहाँ चली गई थी तुम बिटिया? मेरी बात सुनो सिस्टर्स, हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें शुभ समाचार दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु हमें ये कहते हैं कि हम सबसे प्यार करें, सबकी मदद करें। प्रभु ने अपने सेवकों को धरती पर भेजा है ताकि सबका भला हो। हम प्रभु का संदेशा सब तक पहुंचाएंगे, सबको प्यार देंगे, मदद करेंगे, जैसे प्रभु हमसे करते हैं।
मदर टेरेसा, पोप आपका इंतजार कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं उनसे जल्द मिलूंगी। जागो और अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अभी जिंदा हो। रुको, रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ क्यों नहीं। ओह शुक्रिया, वहां एक आदमी मर रहा है, मेरे साथ आओ। आपको क्या लगता है हम इसे कहाँ ले जाएं? पास ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं है। मदर टेरेसा आप आ गई, पोप आपके बारे में पूछ रहे थे। पोप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि इसके पास ज्यादा समय नहीं है। अंदर चलो। बस पहुंच ही गए। मैं यहां हूं आपके साथ, फिक्र मत कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, वो हम सबकी रक्षा करते हैं। आराम से। मैं यहाँ जानवरों की तरह मरता रहा सड़कों पर, अब फरिश्ते की तरह मरने आया हूँ। आप मेरे प्रभु हो। मैं रोम वापस जा रहा हूँ और कभी न भुलाई जाने वाली इस यात्रा को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस जाने से पहले मैं अपनी कार मदर टेरेसा को दान करना चाहता हूँ, उन्हें पता है इसका क्या करना है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, वो पोप ने। क्या हुआ? आप विश्वास नहीं करेंगी, उन्होंने अपनी कार आपको दे दी। मुझे कार की जरूरत नहीं, हम उस कार को नीलाम कर देंगे और उन पैसों से हम नए मोबाइल क्लिनिक बनाएंगे ताकि रोगियों का इलाज हो। ओह, बच्चे तो बहुत कमजोर हैं। क्या ये जी पाएंगे? काश कि मैं ऐसा कुछ कह पाता। क्या हो गया है इनको? लगता है बहुत समय से भूखे हैं ये, और बहुत तेज बुखार भी है। इनकी माँ के बारे में कुछ पता है? उसका पता नहीं। जब तक मैं वापस नहीं आती, तुम ही इनकी माँ हो, ठीक है? इलाज की कमी से ये मर सकते हैं मदर।
क्या कह रहे हैं, इन्हें कहाँ ले जाओ? मदर टेरेसा, ये बच नहीं पाएंगे। आप इनका इलाज कीजिए और मैं प्रार्थना करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे वापस आने तक ये सेहतमंद हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आपका स्वागत है मदर टेरेसा। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया, ये बहुत अच्छे हैं। मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। मैं ये किस्से अपने पोते पोतियों को जरूर बताऊंगी। मुझे खेद है कि यहाँ का तापमान इंडिया जैसा नहीं। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी मदर। से ये कौन सी नन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? लोग अच्छे होते हैं, लेकिन इस महिला ने सच में अच्छा काम किया है। दुनिया में लाखों महिलाएं हैं, लेकिन उन सभी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। $400 काफी होते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, इस महिला में कुछ बात तो है। ये औरों से बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें पता नहीं है इस महिला के बारे में? मीडिया क्या कह रही है इस महिला के बारे में, जरा पढ़िए मिस्टर जेडेड बॉय। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हालांकि मुझे थोड़ा संदेह है। कैलकाटा और बॉम्बे में हजारों बच्चों को बचाया है उन्होंने और उनके साथियों ने। एड्स के मरीजों के लिए इमारतें बनाई, 60 अस्पताल कुष्ठ रोगी और बीमारों के लिए। उन्होंने औरतों के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया है। 2,00,000 औरतें बंगाल वॉर से छुड़ाई गईं। वो अमेरिका, मॉस्को और यूरोप भी जा चुकी हैं। वो वास्तव में शांति की दूत हैं। वो नोबेल पुरस्कार की सच्ची हकदार हैं। भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कलकत्ता की मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपसे दो शब्द कहूं, मैं चाहती हूं कि आप कुछ अनोखा करें। मैं बस ये चाहती हूं कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ प्रभु की दया और करुणा के लिए असीसी के सेंट फ्रांसिस को याद करें, उनकी प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, मुझे शांति का प्रतीक बनाइए। जहाँ नफरत हो वहाँ मैं प्यार बरसाऊँ। जहाँ कोई गलती करे उसे मैं सही कर दूँ। आमीन। आप सबका शुक्रिया। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक दूसरे को भाई बहन मानकर एक दूसरे से प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, गरीबों से भेदभाव नहीं करेंगे। ये पुरस्कार जरूरतमंदों के लिए है। वो जो भूखे हैं, जिनके सर पर छत नहीं, बेसहारा, बीमार, जो कुष्ठ रोग से जूझ रहे हैं, उनके लिए जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, जिनका कोई नहीं है। आज मैं उन अजन्मे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्हें दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता, आने से पहले मार दिया जाता है। मैं कहना चाहूंगी, गर्भपात एक हत्या है, इसे रोकना होगा। ऐसे बच्चे दुनिया के हर कोने में हैं, हर जाति, हर रंग, हर धर्म में हैं। इनमें से कुछ किस्मत वाले हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, पर कईयों की किस्मत ऐसी नहीं होती है। ऐसे हजारों बच्चे भूख से बिलखते हुए सड़कों पर भटकते रहते हैं और भयानक बीमारी से जूझते हुए मौत की गोद में सो जाते हैं। ये सब गरीबी की वजह से है, क्योंकि इंसानियत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते। आगे आइए, उनकी मदद कीजिए। मुझे आपसे यही उम्मीद है।
मैं ये पुरस्कार उन गरीब और लाचार लोगों की ओर से स्वीकार करती हूँ। आप उन सबसे प्यार कीजिए जैसे प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। चलो जल्दी से घर चले। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सब कैसा चल रहा है? ये वही बच्चे हैं मदर टेरेसा, जिन्हें आप मेरे पास छोड़ गई थी। इन्हें आपकी प्रार्थना ने बचा लिया। देखिए तो कितने अच्छे हो गए। स्वागत है मदर, कैसी हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ओस्लो के बाद मैं रोम में होली फादर से मिलने गई थी और मैंने उनसे गरीबों की जरूरतों के बारे में बात की, उनके बारे में जिन्हें प्रभु ने बचाया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में जाकर दुनिया में सबसे बात करो और सबका जीवन सुखी करो। ओह तुम बहुत प्यारे हो। अब इन्हें सुलाने का वक्त हो गया है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन अब मेरे आने का वक्त हो गया है। आपके पास आज के शताब्दी के सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक का आज निधन हो गया। कलकत्ता की मदर टेरेसा 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता रही है और गरीबों के दिलों पर राज करने वाली। 87 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस शाम को अपने प्राण त्याग दिए। 1910 में अल्बेनिया के स्कोपजे में कैथलिक परिवार में जन्मी और पूर्व एग्नेस पोजस्की के द्वारा 1952 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत की और इसी मिशनरी को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। वो बेसहारा और निराशजनक लोगों के लिए एक सहारा बनकर आई। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया, इसीलिए उनका सहारा बने जिनका दुनिया में कोई नहीं था। भारत में उन्हें माँ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सेवा की सच्ची मिसाल पेश की है। बीते कुछ वर्षों में वो 4 हार्ट सर्जरी भी करा चुकी थी और कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने साथियों को सौंपी थी। कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने घर बनवाए और उनकी शिक्षा का इंतजाम किया। वो सारी जिंदगी लोगों के प्रति वफादार रही। उनके महान घर पे लिखा था, समय लगता है प्यार करने में, समय लगता है हंसने में और समय लगता है ठीक होने में। इन वाक्यों ने दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज किया। कलकत्ता की मदर टेरेसा लोगों की सेवा का बहाना ढूंढ ही लेती थी और वो काम वो जिंदगी भर करती रही। यही थी मदर टेरेसा की कहानी। मैरी की जय हो, दया से भरी माँ की जय हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। धन्य है महिलाओं के बीच और धन्य तुम्हारे गर्भ का फल जीसस। पवित्र मरियम परमेश्वर की माता हमारे पापों और हमारे मृत्यु के समय में प्रार्थना करें। Thank you.
यही प्रभु हैं।